हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है लकी ब्लॉगर में। दोस्तों क्या आप 2023 में एक ऐसी बाइक लेने का सोच रहे हैं जो कि लुक वाइज बहुत ही अच्छी हो, फीचर्स भी अच्छे प्रोवाइड करती हो, इंजन भी अच्छा देखने को मिल जाए एंड 25 सीसी के सेगमेंट में आती हो, साथ ही साथ प्राइस और माइलेज भी आपको अच्छा देखने को मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूं द ऑल न्यू 2023 के अंदर लॉन्च की जाने वाली होंडा की तरफ से आने वाली 125 सीसी के सेगमेंट की एक ऐसी बाइक जिसका नाम है होंडा SP125, जो कि मेरे सामने अवेलेबल हो गई है। एंड ये OBD फेस 2 E20 वाला वेरियंट है जो कि टोटली अपडेट कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं एंड आप लोगों को बताने वाला हूं इस बाइक के 2023 के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज, देन प्राइस क्या होने वाला है एंड ऐसी कौन सी खूबी है इस बाइक के अंदर जिसकी वजह से आप लोगों को इस बाइक की तरफ जाना चाहिए। तो देखते रहिएगा व्लॉग को एंड शुरुआत करते हैं हेडलाइट से। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट हेडलाइट देखने को मिलती है जो कि LED आती है, क्रोम रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। LED की बैजिंग यूज की गई है जैसे कि आप देख रहे हैं एंड साइड्स में आप देखेंगे क्रोम ट्रीटमेंट यूज किया गया है एंड यहीं पे आपको एयर वेंट भी देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट के साइड्स में यूज़ किए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार के हैं एंड जो आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं वो हैलोजन बेस यूज़ किए गए, थोड़े बहुत से फ्लेक्सिबल देखने को मिलेंगे। नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिलता है हेडलाइट के नीचे। ऊपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है, होंडा की बैजिंग है एंड जो विंडशील्ड है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलती है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट यूज़ की गई सॉलिड सी एंड यहीं पर आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग का टेक्सचर भी देखने को मिल जाएगा दोनों साइड्स पर। एंड अब आ जाते हैं वाइजर की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइड्स में आपको यहाँ पर ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जो कि टोटली अपडेट कर दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा लुक प्रेजेंट करते हैं साइड से देखने पर, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे। एंड ये फ्रंट का पूरा वाइजर है जो कि चेंज कर दिया गया है एंड फ्रंट का जो व्हील फेंडर है वो आपको यहाँ पर डुअल टोन फिनिशिंग में देखने को मिलता है। फ्रंट से यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिलती है जो कि सॉलिड सी है एंड बैक साइड में देखेंगे तो मैट ब्लैक फिनिशिंग का टेक्सचर देखने को मिलता है जो कि अच्छा लुक प्रेजेंट कर रहा है। सो ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा फ्रंट का प्रोफाइल जो कि बहुत ही अच्छा यूनिक सा यूज़ किया गया है इस बाइक के अंदर एंड 125 सीसी के सेगमेंट में। अदर आप लोगों को ऐसा लुक किसी बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड से भी आप लोगों को टोटली अपडेट वाले ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, लुक भी बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो टैंक वाइजर देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर होंडा की बैजिंग यूज़ की गई 3D क्रोम फिनिशिंग के साथ में आती है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। एंड अगर आप नीचे साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग का टेक्सचर भी देखने को मिलता है एंड बैक साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको पूरे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जो कि चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर कार्बन फाइबर का टेक्सचर है, 125 SP की बैजिंग की गई है ग्राफिक्स के साथ में। बैक साइड में भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा सेट का प्रोफाइल जो कि बहुत ही अच्छा लगता है एंड यूनिक डिज़ाइन यूज़ किया गया है, लोगों को पसंद भी आता है क्योंकि बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है इसलिए पसंद आती है। तो चलिए अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर से भी आपको कुछ इस प्रकार के लुक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आपको टेललाइट देखने को मिलती है वो भी हैलोजन बेस में यूज़ की गई है लेकिन विजिबिलिटी नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी है। सेम फ्रंट के जैसे इंडिकेटर यूनिट देखने को मिल जाएगी, होंडा की बैजिंग देखने को मिलती है, रिफ्लेक्टर्स हैं, नंबर प्लेट का स्पेस है एंड रियर का पूरा व्हील फेंडर देखने को मिल जाएगा। फायर बॉडी के साथ में आता है, सॉलिड फिनिशिंग यूज़ की गई है। तो ऐसा है पूरा रियर का प्रोफाइल जो कि मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड साइड प्रोफाइल की तरफ चले तो वो भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अब चलते हैं इस बाइक के इंजन की तरफ एंड देख लेते हैं स्पेसिफिकेशंस क्या है इंजन के। तो इस बाइक में आप लोगों को 123.9 सीसी का 4-स्ट्रोक SI OBD E20 PGM FI वाला इंजन देखने को मिलता है जो कि BS6 फेस 2 के साथ में पूरा चेंज कर दिया गया है एंड इसी में आपको ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि होंडा की तरफ से आती है, जिसकी मैक्स पावर है 10.7 PSK एंड जो मैक्स टॉर्क वो है 10 Nm की एंड 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही स्मूथली गियर शिफ्ट करता है, गियर को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो फायर बॉडी भी यूज़ की गई है इंजन के ऊपर, लेग गार्ड इंस्टॉलेशन के टूल्स देखने को मिलते हैं, सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। सेकंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में इंजन देखने को मिलता है, होंडा की बैजिंग है, सेल्फ एंड किक दोनों के ऑप्शन देखने को मिलता है, रियर के ब्रेक लीवर है, एग्जॉस्ट कैटेलेटर देखने को मिल जाएगा मैट ब्लैक फिनिशिंग में एंड यहाँ पर ESP की बैजिंग यूज़ की गई है। एंड बैक में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के आता है लेकिन जो काउल यूज़ किया गया वो टोटली चेंज कर दिया गया, क्रोम फिनिशिंग के साथ में आता है एंड ये वाइल्ड काउल यूज़ किया गया जिससे साइड का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। एंड अगर दोस्तों इंजन की बात करें तो इंजन बहुत ही पावरफुल है, माइलेज भी आपको अच्छा प्रोवाइड करके देने वाला है। एंड अब बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पर आपको टोटली अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि आता है डिजिटल वाला एंड इसी में आप लोगों को सभी फीचर्स एंड फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को चाबी दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार की होंडा की बैजिंग देखने को मिलती है, डुअल की के साथ में आती है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर होंडा की बैजिंग है, ऑन करते ही आपको यहाँ पर अच्छी खासी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। इसी के अंदर आप देखेंगे डिस्प्ले में तो स्पीडोमीटर है, फ्यूल इग्निशन है, टैकोमीटर है, साथ ही साथ डिजिटल क्लॉक, गियर पोजीशन, KM, ऊपर साइड में इको की लाइट देखने को मिल जाएगी एंड इंडिकेटर्स और जो ऑल चेक लाइट्स हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगी जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। दोनों ही साइड्स में आपको राइट एंड लेफ्ट में मोड के बटन देखने को मिल जाते हैं एंड थोड़ा पास से मैं आपको दिखा दूँ तो जो बटन्स हैं उनको भी अभी मैं आप लोगों को प्रेस करके दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं बटन से यूज़ किए गए हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिप A, ट्रिप B एंड KM
रियल टाइम माइलेज, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि टोटली अपडेट कर दिए गए हैं। इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मीटर कंसोल पर ही आपको हल्के हल्के से टेक्सचर देखने को मिलते हैं, जिससे एक अच्छा लुक आता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में आपको हैंडल बार देखने को मिलता है, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर वाला, एंड यहाँ पर मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेल्फ एंड इंजन के स्विच अटैच देखने को मिल जाते हैं, एक अच्छी सी ग्रिपिंग आपको देखने को मिल जाएगी हैंडलिंग को करने के लिए। एंड सेकंड साइड में आप देखेंगे तो सेकेंडरी मिरर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऊपर साइड में पासिंग का स्विच देखने को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम वाला। इंडिकेटर का स्विच है, हॉर्न का स्विच है, यहाँ पे भी एक अच्छी सी ग्रिपिंग देखने को मिलती है। एंड अब बात करते हैं फ्यूल टैंक एरिया के बारे में, तो यहाँ पर आपको 11 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको E20 की बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि OBD फेस 2 के साथ में टोटली अपडेट कर दी गई है। सिलोन फिनिशिंग में आपको फ्यूल कैप देखने को मिलता है। सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट है। राइडर एंड पिलियन दोनों ही कंफर्टेबली कहीं भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी राइडिंग को लेकर या फिर सीट को लेकर। एंड जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर देखने को मिलते हैं, एक अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आती है, स्पोर्टी वाले यूज़ किए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों सीट कंफर्ट, स्विचेस क्वालिटी एंड मीटर कंसोल आपको टोटली अपडेट देखने को मिलता है एंड बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। तो चलिए चलते हैं इस बाइक के फ्रंट में और बात कर लेते हैं ब्रेकिंग पावर के बारे में, क्योंकि ब्रेकिंग पावर भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। फ्रंट में आप देखेंगे तो 240mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि CBS टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ही अच्छे से ब्रेकिंग पावर को प्रोड्यूस करती है राइडिंग के टाइम पर। एंड फ्रंट में ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, डुअल रिफ्लेक्टर के साथ में आते हैं, ये भी बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सस्पेंशन रहते हैं। एंड रियर में यूज़ किए गए हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन, जो कि स्प्रिंग लोडेड है, ये भी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। एंड रियर में 130mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, जो कि CBS टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ही अच्छे से ब्रेकिंग पावर को प्रोड्यूस करती है। ओवरऑल दोस्तों ब्रेकिंग पावर एंड सस्पेंशन आपको बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल देखने को मिलते हैं और अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड फिर से आ जाते हैं फ्रंट में और बात करते टायर्स एंड व्हील्स के बारे में, तो फ्रंट में आप लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आते हैं MRF की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छे टायर्स होते हैं, जिनका टायर साइज है फ्रंट का 80x100 18 inches मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में। व्हील्स आप देख रहे कितने अच्छे यूज किए गए स्पोर्टी वाले। एंड एक बार मैं आप लोगों को टायर की ग्रिपिंग पावर भी दिखा दूं, तो अच्छी चौड़ाई के साथ में आपको देखने को मिलते हैं फ्रंट के टायर। एंड रियर साइड में भी आपको सेम ही MRF के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे, जिनका टायर साइज चेंज कर दिया गया है, वो है 100x80 18 inches के मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं टायर साइज। व्हील्स आप लोगों को एलॉय वाले देखने को मिलते हैं, मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छे कट्स एंड डिजाइन यूज़ की गई है। ग्रिपिंग पावर भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। एंड ये सिंगल फुट स्टेप देखने को मिल जाएगा, राइट साइड का है। सेकंड साइड चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे फुल फेयरिंग वाला साड़ी गार्ड यूज़ किया गया, 5 ROD के साथ में लॉन्ग फुट पैड भी यूज़ किया गया है। एंड यहाँ से आप सीट को ओपन कर सकते हैं, नीचे आपको पूरी कवरिंग देखने को मिल जाएगी, 5 ROD की चैन के ऊपर यूज़ की गई है। एंड लेफ्ट साइड का सिंगल फुट स्टेप है। एंड यहाँ पर आपको साइड स्टैंड कटऑफ का सिस्टम देखने को मिलता है, जिसका इग्निशन आपको मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएगा, जो कि 2022 से सभी बाइकों में यूज़ कर दिया गया था। ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा वॉक एंड वॉक। एंड अब मैं आप लोगों को इस बाइक का एक्शोरूम प्राइस बता दूं, जो कि है लखनऊ का 89,800 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड जो ऑनर प्राइस है लखनऊ का, वो है 1,06,100 रुपये के अप्रॉक्स में। माइलेज की बात करें तो 65 से 70 KMPL का माइलेज आराम से आप लोगों को ये बाइक प्रोवाइड करने वाली है, एंड कोई डाउट नहीं है इस माइलेज को लेकर। एंड अगर बात करें पूरी बाइक के बारे में, तो बाइक बहुत ही पॉपुलर है, जब से आई है मार्केट में एक तहलका मचा के रखी है, लोगों को पसंद भी आती है, क्योंकि 125cc के सेगमेंट में इस बाइक से कोई टक्कर नहीं लेता। आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।